तो जय हिंद साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, थोड़ा सा अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कंप्लीट सेस जो बसे 30 या 40 दिन में आपके CSF कांस्टेबल फायरमैन की रिटन एग्जाम एकदम बिल्कुल 100% क्रैक कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टेक्निक मैंने फॉलो किया था। और फॉलो करने की एक बात साथ साथ ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल और बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा, उस तरीका से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता 100% कदम चुमेगी। बस उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो बस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, इसमें ज़बरदस्ती की बात नहीं। बस वीडियो को पूरा देखें, यही आप लोग से निवेदन है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूं किसी CSF कांस्टेबल फायरमैन की ये BSF कांस्टेबल CSF ट्रेड्समैन के जो चल रहे फिजिकल, इसके बाद आपकी डेट आएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 एंड CSF कांस्टेबल फायरमैन 2021। इसकी सारा आपके शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और सडनली अगर आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा तो आप बचे खुचे कम टाइम में कैसे उसको क्रैक कर पाएंगे, तो नहीं। अभी से बिल्कुल अभी अगर 30 से 40 दिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 30 से 40 दिन में एग्जाम को कैसे क्लियर करना है आप लोग को बताने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कोई भी चीज़ में वेट नहीं करना चाहते हैं, बस आप लोग बस एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे। सडनली अगर आप लोग का एडमिट कार्ड है या एग्जाम ले लेगा ना, तो बस ऐसे के ऐसे रह जाओगे। वेट करना सीखो यार, कोई किसी भी चीज़ में या किसी फील्ड में उतरने से पहले आप उस फील्ड के बारे में जानना तो अनिवार्य है, लेकिन आप लोग जितना धैर्य बनाकर रखोगे और कोशिश करोगे तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बस आप लोग कॉमेंट्स में बस एक चीज़ आप लोग लिखते हो, अपना वीडियो बनाना बंद करो और फिर आप लोग बस है कि एडमिट कार्ड कब आएगी, एग्जाम कब हो, एग्जाम कब हो। क्या एक भर्ती में पीटी एंड पीएसटी क्वालिफाई कर लिया, बस इसे तीर मार लिया आप लोग? नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। एक भर्ती में आप लोग पीटी एंड पीएसटी क्वालिफाई, इसके अलावा और क्या था? पीटी एंड पीएसटी रनिंग और आपके हाइट वेट चेस्ट, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के वगैरह आप क्या था? मेन तो आपके फील्ड में उतरना, आप तो मेन कागजी करवाई अभी है, एग्जाम होगा तो ही आप लोग को सिलेक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब पीटी एंड पीएसटी क्वालिफाई में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो इतने में क्या आप तीर मार दिए, आसमान में धनुष चला दिए? ऐसा कुछ नहीं मेरे ब्रो, आप लोग बचे कुछ टाइम में तैयारी करो और वेट करना सीखो। ऐसा नहीं कि आप लोग एग्जाम हो गए ही नहीं, दिमाग में ये बात रखिए एग्जाम तो होना ही है, आज हो या तो फिर एक जो भी 5-6 महीने बाद हो एग्जाम तो, लेकिन इतना तो टाइम नहीं लगेगा। जितना आप लोग को फिक्र है ना, उससे 5 गुना डिपार्टमेंट वाले को फिक्र होती है। तो बस आप लोग बस एग्जाम कब होगी, तो चलिए मैं आप लोग को टेक्निक बताता हूँ। तो सबसे पहले बात आप लोग को बताऊं कि CSF कांस्टेबल फायरमैन में आप लोग के साइंस के क्वेश्चन, आपके जीके जीएस का जो पार्ट थ्री पोर्शन है, जो भी मान के चले जीके जीएस वाला पोर्शन, उसमें आपके साइंस के तो क्वेश्चन ज़्यादा रहते ही हैं। और उसके बाद में आप लोग के क्या है कि करेंट्स के भी क्वेश्चन 2-3 रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बुक दिखाता हूँ। ये देखिए आपके पहला बुक लूसेंट का, जो कि आपके समान ज्ञान बुक है, आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक है, वस्तुनिष्ठ है। तो इसको आपको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे पढ़ना है, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बड़ी बात कि आप लोग इसकी शुरुआत करनी है ना, आपको इस बुक की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आप इस बुक की शुरुआत करो तो कैसे करो, आपको विविध से शुरुआत करनी, विविध जो लास्ट में दिया हुआ रहता है उससे शुरुआत करनी। तो सबसे पहले आप इसको किस तरीका से पढ़ना है, ये मैं आप लोग को टेक्निक बताता हूँ। फर्स्ट डे अगर आप लोग शुरू करते हैं, किसी एक दिन आप रूटीन फॉलो कर लो कि आपके मंडे से शुरुआत करना, तो मंडे से आप लोग कौन से टॉपिक पे आओ, तो मंडे से आप मानते हैं कि विविध का एक टॉपिक उठा ले, विविध क्लियर कर लो कि मंडे का मेरा पूरा विविध क्लियर हो जानी चाहिए, वो चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का, साइंस का बात कर रहा हूँ। तो मंडे का तीनों का विविध क्लियर कर दो, मंडे खत्म हो गई। अब बचे कुछ टाइम में आपको और कुछ बताया जाएगा, पहले इस बुक का रिव्यू मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो मंडे का आपको टोटल विविध क्लियर हो गई। अब मंडे का एक आप चैप्टर जैसे इसमें से उठा लो, आपके विविध का देखिए लास्ट का है, ये तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मंडे का एक चिप आप उठा लो, उस मानते हैं कि एक चैप्टर उठा ली यहाँ से भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान का जितना भी पार्ट है वो आपको सारा क्लियर हो जानी चाहिए एक दिन में, एक दिन में क्लियर हो जानी चाहिए भौतिक विज्ञान का जितना भी पार्ट्स है। जैसे भौतिक विज्ञान आपके शुरू हुए यहाँ से विविध, देखिए मेस्कुलेशन, तो यहाँ से आपको जो इतना जो दिख रहा है एक दिन में बिल्कुल क्लियर, ना कि 2 पेज पढ़ें उसके बाद फिर आपको मैं नींद आ गया तो बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं। और आपको पूरा एक दिन में ये पढ़ जाना, भले ही याद एक भी हो या ना हो, याद हो या नहीं उससे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, याद होना अलग बात है, आपको बस इतना रीड कर लेना चाहिए। इसी तरह आपके नेक्स्ट डे आपको फिजिक्स का उठाओ,
फिजिक्स का इतना चैप्टर उठाओ, आपको कोई भी केमिस्ट्री का, ये आपके पूरा एक दिन में क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड ईयर फिर आपके बायोलॉजी का उठाओ, जीव विज्ञान का कोई सा चैप्टर, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके ये बुक आपके पास बहुत अनिवार्य होना चाहिए। ये बुक आप लोग के बहुत काम आएगी, जीके जीएस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आएगी। नेक्स्ट डे अगर आप बायोलॉजी का कोई भी बायोलॉजी का पूरा उठाते हो इतना, तो बायोलॉजी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट डे आपको बायोलॉजी क्लियर हो, यानी कि आज पढ़ लिए, ये नहीं कि फिर मैं कल, मतलब कि आपको मेरा जो बायोलॉजी था वो बच गया, ऐसा करोगे तो आपके 40 दिन में ये चीज़ पूरा होने वाला नहीं, ये 40 दिन वाला टेक्निक में काम नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपकी बात करें तो फिर आपके आएगी हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी इसमें से आपको लगता है वो, ज्योग्राफी एक दिन में खत्म, ज्योग्राफी एक से ज़्यादा दिन टाइम नहीं। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे और अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री एक दिन में खत्म, आपके मान के चलो तो आपके एक सप्ताह में ये बुक क्लियर हो गई। अब ये तो इस तरीका से आपको ये बुक को खत्म करना है, और इस स्ट्रेटजी में अगर आप लोग पढ़ोगे तो जैसे फायरमैन क्या यूपीएससी का एग्जाम निकाल लोगे, ये बुक आपको खत्म हो गई, मान के चलिए ये बुक खत्म हो गई। नेक्स्ट बुक देखिए आपको ये लुसेंट का जो आपके क्या है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव बुक है, लेकिन आपको इसको 30 दिन वाले में चीज़ में आपको पढ़ना नहीं है, इसमें से आप लोग को एक चीज़ पढ़ना है वो बस खाली आप लोग को विविध पढ़ लेनी है, वो बुक खत्म होने के बाद, नहीं तो ये बुक पहले पढ़ लो और उसको ख़त्म करो, तो विविध इसमें आपको ख़त्म कर देना है, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, विविध बस आप लोग को ख़त्म कर देनी है इसको, और भी आपके एक से दो दिन में ख़त्म कर देनी है, ज़्यादा नहीं कि 10 दिन इस बुक में लगाना, ये बुक ख़त्म हो गई। अब ये बुक स्पेशल आपको साइंस के लिए है लुसेंट की, देखिए इसमें आपके देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो इसमें क्या है कि आपको डीपली दिया गया है कि जैसे फिजिक्स में अगर आप उठाते हैं तो उसके बारे में, जैसे आपके लाइट हो गया इफेक्टिंग, जो भी लाइट का चैप्टर प्रकाश का होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ये मतलब स्पेशल दिया गया है, तो आपके ये कम टाइम में वही बुक आपको ज़्यादा फॉलो करेगी 40 दिन के, क्योंकि ये फुल डिप्ली में दिया हुआ है। अगर आपको उस बुक अगर ख़त्म होने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो ये बुक पढ़ सकते हैं। तो ये बुक आपके तीनों, इसके अलावा और सारे बुक है लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल नहीं कि मैं उसको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बाद आप लोग, वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो आप कॉन्सेंट्रेशन बना के रखें, इसके बाद आप लोग के मैथ की बुक आती है कौन सी, तो आरएस अग्रवाल, आरएस। अब आपके पास कोई भी मैथ्स की बुक हो आपके पास प्रॉपर, उसके मतलब कि सारा आपके चैप्टर होने चाहिए, जो भी मैथ्स में पूछे जाते हैं अर्थमेटिक में वो सभी चैप्टर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने आरएस अग्रवाल से तैयारी किया था तो उसके बारे में रिव्यू मैं देता हूं। तो फर्स्ट डे अगर आप शुरू करते हैं तो नंबर सिस्टम का जितना भी क्वेश्चन सारा खत्म होना चाहिए, ना कि आज दो क्वेश्चन बनाए कल दो क्वेश्चन परसों दस, ऐसे में आपको 40 दिन में तैयारी नहीं होगी। तो नंबर सिस्टम आप उठाएं तो सुबह से लेकर आपके जो भी एक घंटा बनाओ, और फिर 10 से 5 मिनट आप लोग रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर मतलब आपकी किसी भी टैकल से किसी भी तरीका से आपके पहला दिन में नंबर सिस्टम खत्म हो जानी चाहिए। दूसरे दिन की बात करें तो आपके दूसरे दिन कोई भी चैप्टर उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी खत्म होनी चाहिए। अब जहां आपके डाउट होती है वहां किसी माध्यम से, किसी सोर्स से, जहां कहीं से आप तैयारी करते हो वहां से थोड़े से देख लो, कोई दोस्त वगैरह से आप हेल्प ले लो कि कैसे सॉल्व होगी, और नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं बना तो उसको राउंड लगा के उसको छोड़ दो, ना ही कि उसी के चक्कर में रुके रहो, तो खत्म हो गई। तीसरे दिन भी आपको और मतलब एक दिन में आपके एक चैप्टर खत्म हो जानी चाहिए, किसी भी हर हालत में खत्म हो जानी चाहिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको राउंड करके सारा क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर लो और फिर किसी के द्वारा पूछ लो। इसी तरह आप लोग को डेली प्रैक्टिस कर लो, और संडे के दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट लगा लेनी है, नहीं तो सप्ताह में दो दिन बचे खासे टाइम में आप दो दिन प्रैक्टिस सेट लगा लो कि देखो कौन सा मतलब आपके पार्ट्स में गलत। उसके बाद एक लुसेंट का रीजनिंग आती है, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। लुसेंट का रीजनिंग आता है, वो भी अगर फर्स्ट में अगर फिगर का अगर आप चैप्टर शुरू करिए तो फिर नंबर सीरीज शुरू करते हैं, तो उसमें भी आपके एक दिन में सारा क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक दिन में उसमें क्लियर होने के बाद फिर क्या है कि ना कि आप पहला दिन ट्राई किए और दूसरे दिन छोड़ दिए, तो इस तरीके से होने वाला नहीं, आपके प्रॉपर एक दिन में एक चैप्टर आपके क्लियर हो जानी चाहिए। और हिंदी की बात करें तो लुसेंट हिंदी थी लेकिन अभी मिल नहीं रहा, एक दोस्त के पास है, मैं उससे मांगा नहीं, टाइम लग जाता, तो उसमें भी आप लोग को सेम स्ट्रेटेजी यही है कि एक दिन में आपकी सारी चैप्टर, कोई भी चैप्टर अगर आप उठाते हो तो उसके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो, भले ही याद हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं। पहला दिन अगर आप उठाए प्रॉफिट एंड लॉस, उसके खत्म। हिंदी का कोई अगर चैप्टर उठाते हैं वर्ण वाला तो उसको वो खत्म होने जाए। तो बस आप लोग को वीडियो में इसी तरह मैं आप लोग को बताना चाहता था, कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो तो हमें कॉमेंट्स करके बताइए। टेक्निक आप लोग को सप्ताह में तीन दिन अनिवार्य आपको सेट लगानी है, जो आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको आप घेरा लगा लें, उसके बाद किसी आपके टीचर या किसी मित्र से आपसे सहायता ले लें कि कैसे सॉल्व होगी। तो बस वीडियो में इतना ही, तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप और आगे टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।